हाउ आर यू, होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रोसीजर कैसे बनता है, ठीक है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोसीजर को हम लोग सेव कैसे करेंगे, ठीक है। जब एक बार सेव हो जाएगा तो फिर हम जब भी उसको रिकॉल करेंगे वो चीज़ आ जाएगा और वैसा बन जाएगा, मैं बार बार उसके लिए स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सेव स्क्वायर, जाके हम लोग इनपुट बॉक्स में क्या लिख देंगे, सेव स्क्वायर, और क्या कर देंगे, इंटर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम फाइल मेनू में जाकर भी उसको सेव कर सकते हैं। फाइल मेनू सेव, कोई लोकेशन चूज कर लीजिए, वहाँ पे नाम लिख दीजिए स्क्वायर और सेव कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वो जो आपने प्रोसीजर बनाया है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। स्टेप वन क्या है, फाइल मेन्यू में गए, सेव किया, उसका नाम दिया स्क्वायर, हमारा क्या हो गया, प्रोसीजर सेव हो गया। लोडिंग प्रोसीजर यानी कि हमको अब ज़रूरत पड़ रही है, रिकॉल करना है हमको कि एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ओपन बोलिए या फिर लोडिंग बोलिए, कई जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, लोडिंग है। तो लोडिंग में क्या, फाइल मेन्यू में गए, वहाँ पे लोड का ऑप्शन है, वहाँ से हम अपना जहाँ पे हमने वो सेव कर रखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेंगे तो हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और एक बना बनाया स्क्वायर हमको अपने आप क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि उसका हम लोगों ने क्या बनाया है, एक प्रोसीजर ऑलरेडी बना के उसमें सेव कर दिया है, जिससे उसको हम जब भी बुलाएंगे खोलेंगे वो अपने आप एक स्क्वायर बन जाएगा, हमें उसके लिए कोई प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम लोग सबके लिए क्या बना दें, एक प्रोसीजर बना दें, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, सर्कल के लिए, ताकि जब भी हमें वो चीज़ बनानी हो हम प्रोसीजर को जाके चूज़ कर लें और ओपन करेंगे तो हमारा वो अपने आप बन के आ जाएगा। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया डियर स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।